मैं आपकी मेजबान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। लिए चलते हैं हम आपको दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। अमेरिका में कई मुकामात पर जानवर गाड़ियों से टकराकर हलाक हो जाते हैं। इस जमन में रियासत वायोमिंग ने अब इन जानवरों को खाने की इजाज़त दे दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दी गई अब वायोमिंग गेम एंड फिश डिपार्टमेंट के मुताबिक नया कानून आपको इजाज़त देता है कि आप कार हादसे के शिकार जानवर का गोश्त खा सकते हैं। हत्या सड़क किनारे पड़े जानवरों को भी पकाकर खाया जा सकता है। वायोमिंग गेम एंड फिश के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट की 511 ऐप पर मुर्दा जानवर की दरख्वास्त की जा सकती है और इदारा इसकी इजाज़त देगा, और अगर इसके इल्म में कोई जानवर हुआ तो वो इसकी निशानदेही भी करेगा। इजाज़त मिलने के बाद आपको हादसात में मरने वाले जानवर की लाश उठाने की इजाज़त होगी। ये ऐप ऑफलाइन भी काम कर सकती है। जंगली टर्की और प्रोंग हार्न हिरण उठाने और खाने की इजाज़त दी गई है। कानून के तहत पूरा जानवर ही ले जाने की इजाज़त होगी, क्योंकि अगर कोई मरे हुए जानवर की रान उतारना चाहे तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह एक रियासत से मुर्दा जानवर दूसरी रियासत ले जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। वाजह रहे कि वायोमिंग एक सरसब्ज इलाका है जहाँ हर साल 6,000 के करीब हिरण, जंगली बिल्लियाँ और भैंसें वगैरह सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। जंगलों में पाया जाने वाला ऐसा टिड्डा जिसका आधा जिस्म नर और आधा जिस्म मादा है। पतली छड़ी की तरह दिखाई देने वाले इस कीड़े का ताल्लुक टिड्डों की एक किस्म से है जो डायफेरोड्स जाइगेंटाई कहलाती है। ये टिड्डे अमूमन जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन शौकीन लोग इन्हें पालते भी हैं। तस्वीर में दिखाया गया टिड्डा लॉर्ड गालफिल्ड नामी एक बरतानवी खातून का पालतू है, जिसका नाम उन्होंने चार्ली रखा हुआ है। चार्ली कुछ दिन पहले बालक हुआ तो लॉर्ड इसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि इसका जिस्म एक तरफ से सब्ज और दूसरी जानिब से भूरा हो चुका था। इन्हें मालूम था कि इस किस्म के टिड्डों में मादा की रंगत सब्ज जबकि नर की रंगत ब्राउन होती है, यानी बज़ाहिर इस टिड्डे का आधा जिस्म नर और बाकी आधा जिस्म मादा है।